वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए स्थानीय निगम पार्षद आरती सिंह के द्वारा पाइपलाइन डलवाई जा रही है, जिससे कि मेहरोली इलाके में लोगों को वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझना ना पड़े और पानी की निकासी आराम से हो जाए। इसीलिए कुतुब मीनार से मेहरोली जाने वाले बीच रास्ते को बंद किया गया है, जिसकी वजह से अब जाम लगने की स्थिति भी पैदा हो जा रही है। हालाँकि इसके लिए खुद आरती सिंह के द्वारा लोगों को पहले ही सोशल मीडिया के द्वारा बता दिया गया था कि कुतुब मीनार से मेहरोली आने वाले रास्ते को 3 दिन तक के लिए बंद किया जाएगा, क्योंकि पाइपलाइन डलेगी, उसके बाद उसके सूखने का काम होगा, क्योंकि पाइपलाइन को डालकर बड़े नाले में जोड़ा जाएगा कि जिससे कि बरसात में जो पानी की वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता था उससे निजात मिल जाएगी। लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता चला, वो इस जाम में तकरीबन 15 से 18 घंटे तक जाम में फंसे नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के मेहरोली इलाके की, जहां पर आप देखिए कि पानी की पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है, जो कि पानी निकासी के लिए डाली जा रही है, जिससे कि मानसून में जल भराव का जो पानी होगा वो बड़े नाले में चल जाएगा, जिसको लेकर मेहरोली की निगम पार्षद आरती सिंह के द्वारा एक कार्य कराया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, तो वो इस जाम में फंस गए। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो जाम में फंसे हुए हैं और जो कार्य है वो चल रहा है, और इस कार्य की सूचना पहले ही लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा दी गई थी, लेकिन लोगों को नहीं पता था तो वो जाम में फंस गए। आपको बता दें 3 दिन तक के लिए इस रोड को बंद किया गया है, जो कि कुतुब मीनार से मेहरोली के लिए आती है। योग माया मंदिर के पास ये पूरा कार्य चल रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्य चल रहा है। बहरहाल जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो लोग हैं वो जाम में फंस रहे हैं, कुछ लोग इधर से उधर अपने वाहन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आरती सिंह क्या कहती हैं, जो निगम पार्षद हैं, क्योंकि ये कार्य उनके द्वारा ही कराया जा रहा है, वो क्या कहती हैं ये वो सुनवाते हैं आपको। काफ़ी समय से इस रोड पे ये जल भराव की समस्या आ रही थी। जो चर्च कॉलोनी से पानी आता है ये एसआई के लैंड में होते हुए ये रेडियो की वॉल को क्रॉस करके सड़क पे आ जाता था, रिसाव करके, जिस वजह से सड़क पर पानी भर जाता था। तो उस समस्या के निदान के लिए आज यहाँ रोड पे पाइपलाइन डालने का कार्य चल रहा है, जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो और जल भराव की समस्या से मुक्ति मिल सके। जल भराव की बहुत बड़ी समस्या यहाँ योगमाया मंदिर और मेहरोली तहसील से आगे रहती थी। लगातार शिकायतें आ रही थी कोरोना संक्रमण काल की वजह से, थोड़ी देरी हुई लेकिन निगम पार्षद आरती जी के सौजन्य से, उनकी कोशिशों से, उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए और आज यहाँ पर इस जल भराव की समस्या से निजात मिल जाएगी मेहरोली वालों को। और यहाँ पर ये पाइप जो है यहाँ से बीच रोड में दबा के और एमसीडी का जो नाला है उस नाले में जाएगा। जो चर्च कॉलोनी है, चर्च कॉलोनी के निकासी का कोई रास्ता नहीं था, वो निकासी का रास्ता आज चर्च कॉलोनी को मिलेगा। कितनी देर तक आपको इंतजार करना पड़ रहा है यहाँ से निकलने में? इंतजार करने का मतलब काफ़ी देर से खड़ा हुआ हूँ मैडम, रास्ता निकलने में दिक्कत ही हो रही है, बंद पड़ा हुआ है रास्ता। जैसा निगम पार्षद ने कहा था कि 3 दिन तक रास्ता बंद रहेगा, लेकिन उसके बाद भी लोगों की आवाजाही हो रही है। हाँ बहुत हो रही है मैडम, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा मैडम। तो मतलब बंद रास्ता बंद सहूलियत के लिए किया गया, तो सही है क्या निकलना ऐसे? सही नहीं है मैडम, अब ये खुल जाए तो मतलब दिक्कत नहीं होगी मैडम। तो आसानी मौजूद है मेहरोली इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड टूट कर बन गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों का जमघट लगा हुआ है, गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि निगम पार्षद द्वारा बोला गया था कि 3 दिन तक रोड बंद रहेगा, लोग अपने घर से बाहर ना निकले, अगर कहीं जाना है तो दूसरा रास्ता अपनाएं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहीं से निकल रहे हैं। साइड से आप देख सकते हैं कि कितना कम रास्ता होने के बावजूद भी लोग यहीं से निकल रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें काम पर जाना होता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि संडे होने के बावजूद भी लोग लगातार अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर लोगों की आवाजाही दिखाई दे रही है। आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि वहाँ पर तोड़कर रोड बनाया गया है, क्योंकि उस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की आवाजाही यहाँ पर रुक नहीं रही है। साथ में पुलिस के यहाँ बैरिकेड भी लगाए गए हैं, जिसके लिए वो बताया गया था कि लोगों को आर्जू की गई थी कि 3 दिन तक घर से बाहर अगर निकलते हैं तो किसी और रास्ते को अपनाएं, लेकिन फिर भी लोग यहीं से साइड से निकल कर जा रहे हैं, बाइक हो या गाड़ी हो, लोग यहाँ से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मैं कशिश कैमरा पर्सन दौलत के साथ आज उन्होंने